Life holds special magic for those who dare to dream. आपने कब लास्ट टाइम अच्छा ड्रीम किया है कि आपका बहुत अच्छा करियर है, आपके पास बहुत पैसा है, आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रहा है, आपकी सेटल्ड फैमिली है, हेल्थ अच्छी है और आपका आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है, आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। एंजल्स हमसे कहते हैं कि आप विजुलाइज कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए और हम आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। जैसे आस्क एंड यू विल गेट इट, तो आप पूछेंगे आपको नेचर ज़रूर देगी, पर पहले हमें विजुलाइज करना है। विजुलाइज जितना हो सके मूविंग फॉर्म में करेंगे, जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं, तो आप विजुलाइज कीजिए कि जो भी आप सोचते हैं इम्पॉसिबल है उसे आप होता हुआ देखिए। आप सोचते हैं जॉब नहीं मिलेगी, आप विजुलाइज कीजिए आपको जॉब मिल गई है। आप सोचते हैं कि आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, आप विजुलाइज कीजिए कि बैंक बैलेंस बहुत बढ़ गया है। आप सोचते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती, आप विजुलाइज कीजिए कि पॉशेस्ट एरिया में आपका बहुत अच्छा प्रॉपर्टी बन गया है। आप विजुलाइज कीजिए कि आपके पास बहुत अच्छी कार आ गई है जो आप सोचते हो लेना पॉसिबल नहीं है। विजुलाइज करना है और चीज़ें हमारे तरफ अट्रैक्ट होंगी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपकी जो भी गोल्स हैं लाइफ के उसको विजुलाइज कीजिए। और मेडिटेटिव स्टेट में बैठ के आपको विजुलाइज करना है, ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करना है और उसी में आपको विजुलाइज करना है जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं। माइन्यूट डिटेल्स आपको विजुलाइज करनी है। एक बार पार्वती माता शिव भगवान को कहती हैं कि आपका एक सेवक मैं देखती हूँ कई सालों से मंदिर आ रहा है, आपको प्रे कर रहा है कि उसकी लॉटरी खोलिए, पर आप तो सुन ही नहीं रहे हैं उनकी, क्यों नहीं उस शिष्य को मदद करते हैं कि आपकी कि उसकी लॉटरी खोल दें। तो शिव भगवान देखिए बहुत ब्यूटीफुल आंसर देते हैं कि मैं तो डे वन से खड़ा हूँ उसके लिए लॉटरी खोलने के लिए, पर वो सिर्फ मुझे प्रे करके जाता है पर लॉटरी खरीदता नहीं है। तो यही गलती हम कर रहे हैं, हम भगवान से मांग नहीं रहे हैं। हमें मेडिटेशंस में विजुलाइज करना है कि क्या क्या हमें चाहिए, नेचर को बताना है। जैसे माँ को पता है कि बच्चे को ये सब खाना पसंद है, वो लाकर रखती है घर पे, पर अभी क्या चाहिए बच्चे को वो बताना पड़ेगा बच्चे को। माँ ने चीज लाके रखा है, बटर लाके रखा है, वेफर्स लाके रखे हैं, चॉकलेट्स लाके रखे हैं, सब कुछ है माँ के पास, पर बच्चा अभी क्या खाना चाहता है उसे माँ को बताना पड़ता है कि माँ अभी मुझे वेफर्स दीजिए, माँ अभी मुझे चॉकलेट दीजिए। तो हमें भी विजुलाइज करना है, भगवान से मांगना है, एंजल्स को प्रे करना है और एंजल्स हमें ज़रूर वो चीज़ देंगे। हमारे जो भी थॉट्स रहेंगे वो हमें मदद करेंगे चीज़ों को अचीव करने में, चाहे वो अच्छी सेहत हो, चाहे आध्यात्मिक ग्रोथ हो। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं उसको भी विजुलाइज कीजिए। आप फील कीजिए कि ये सब चीज़ें पाने के बाद आपको कैसे लग रहा है। अब आप ब्लॉक्ड हैं, अब आप ट्रैप्ड हैं नेगेटिव बिलीव्स में, आपके पास्ट ने आपको ब्लॉक करके रखा है। जैसे एक छोटा एलिफेंट है उसको चेन से बांध कर रखते हैं, अब बड़ा हो गया है एलिफेंट, वो इजीली वो चेन को ब्रेक कर सकता है, पर उसके माइंड में यही भरा गया है कि नहीं वो शायद चेन्स नहीं तोड़ सकता, इसलिए वो ट्राई भी नहीं करता है। तो हम सबको ट्राई करना है, विजुलाइज करना है और हम सबको इम्पॉसिबल चीज़ें जो अभी तक हम सोचते हैं पॉसिबल नहीं है, मैं आपको राशि वाइज बताने वाली हूँ थ्रू टैरो आपको क्या विजुलाइज करना है और क्या आप अचीव करेंगे। और अचीविंग योर ड्रीम इज ऑल विद इन यू, आपके अंदर है, आपके सारे ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। टैरो हमें गाइड करेगा व्हाट टू आस्क।
लियो राशि, लेट्स टेक गाइडेंस फ्रॉम टैरो। टैरो आपको क्या विजुलाइज करने के लिए बोल रहा है और टैरो आपको कहाँ पर ज़्यादा फोकस करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके रिलेशनशिप के लिए। आपका रिलेशनशिप आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। वैसे भी लियो राशि जो है बहुत ही रॉयल रहते हैं और बहुत ही लॉयल भी रहते हैं। बहुत अपने पार्टनर को चीट करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं और लियो राशि एक किंग के जैसे रहते हैं। पहले अपने आसपास में जो लोग हैं उनकी केयर करते हैं और बाद में फिर वो खुद के लिए सोचते हैं। यही क्वालिटी है जो लियो राशि वालों को बहुत ही रॉयल बनाती है, एक किंग के जैसे बनाती है। जैसे लॉयन जो है वो जंगल का किंग रहता है और जो सन सूर्य प्लैनेट है आपका वो भी सब प्लैनेट्स का ये है हेड है। तो इन द सेम वे सारे प्लैनेट्स सूर्य के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। तो सूर्य बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। तो यही क्वालिटीज लियो राशि को बहुत इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। लोग उनको लाइक करते हैं बिकॉज वो हमेशा दूसरों की पहले सोचते हैं और बाद में खुद की सोचते हैं। सो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा है। स्टिल आपको सेकंड दिखाता है कि आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति है, बेसिकली लियो राशि जो है वो सोल वाइज काम करती है। मीनिंग आपके शरीर से ज़्यादा आपके आत्मा के लिए काम करते हो। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि लियो राशि जो है अपने आध्यात्मिक गोल की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रही है। मे बी आप बहुत टाइम टू टाइम चैरिटीज कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, आपके डेली रिचुअल्स जो है वो बहुत अच्छे से आप फॉलो कर रहे हैं और आप नेचर को फॉलो कर रहे हैं। जल्दी उठना, जल्दी सोना, ये सब चीज़ें आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अच्छा दिखाता है टैरो। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो आया है पॉजिटिव, वो आपके करियर के लिए है कि आप इमोशनली बहुत खुश हैं आपके करियर के लिए। कहाँ पर आपको विजुलाइजेशन की ज़रूरत है? फाइनेंस। आप विजुलाइज करो कि आपके पास बहुत पैसा आ चुका है। कहाँ आप रखने वाले हैं उस पैसे को, कौन से अकाउंट में आप डिपॉजिट करने वाले हैं, तो ये सब आपको विजुलाइज करना है। माइन्यूट डिटेल्स आपके पैसे के लिए, आपके कुछ बिल्स पेंडिंग हैं, आप विजुलाइज कीजिए वो बिल्स आपने पे कर दिए हैं। आप कुछ FDs रखना चाहते हैं, विजुलाइज कीजिए कि वो FDs आपने रख दिए हैं। आप अबंडेंस चेक्स बनाइए एवरी नो मून डे के बाद। आपके अबंडेंस चेक्स बनाइए, उसके डेट्स मैं अगले वीडियोस में देने वाली हूँ। हर महीने आपको एक डेट पर अबंडेंस चेक बनाना होता है। हम नेचर से वो अमाउंट मांगते हैं और नेचर हमें वो अमाउंट बेचती है। आप विजुलाइज कीजिए कि आपके पैसे जहाँ पर भी अटके हुए हैं वो लोग आपको पैसे भेज रहे हैं। आप विजुलाइज कीजिए कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज नेचर आपको भेज रहा है और वो न्यू अपॉर्चुनिटीज आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आप उसमें से पैसे कमा रहे हैं। और लियो राशि वालों को विजुलाइज करना है कि ग्रीन कलर का सीन है और उसके ऊपर आप विजुलाइज कीजिए कि बहुत पैसे आपके पास आ रहे हैं और बहुत लोग आपके पास आ रहे हैं जो आपको पैसे की आइडियाज देके जा रहे हैं। सो कुछ आपके पास आइडियाज हैं, वो आप विजुलाइज कीजिए कि वो आइडियाज आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप उन आइडियाज पे वर्क करके पैसे कमा रहे हैं। नेक्स्ट आपको आपके हेल्थ के लिए विजुलाइज करना है कि आपने बिगिन कर दिया है। यहाँ पर दिखाता है कि थोड़ा सा आप लेजी हो गए हैं आपके हेल्थ की तरफ, तो आपको विजुलाइज करना है कि आपने मॉर्निंग वॉक्स स्टार्ट कर दिए हैं, आपने योगा स्टार्ट कर दिया है, आप रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, लामा फेरा ऐसे कुछ कोर्सेज से अपने आप को, ऐसे कुछ हीलिंग मॉडलिटी से आप अपने आप को क्योर कर रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। एक राइट पाथ आपने फॉलो कर दिया है, एक राइट ट्रीटमेंट आपने फॉलो की है और उससे आप ठीक होना स्टार्ट हो गए हैं। एक राइट डॉक्टर आपके पास आ गया है और आपकी हेल्थ ठीक हो गई है। सो ये सब विजुलाइज करने से आपकी लाइफ जो है नेक्स्ट 3 months जुलाई अगस्त सितंबर आपका पॉजिटिव जा सकता है। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।